क्या रोड है देखो भैया, रोड के ऊपर पानी देखो कैसे आ रहा है। नेपाल में ये सबसे ज्यादा डर है क्योंकि मिट्टी का पहाड़ है ना, ये देखो पेड़ पौधे सब ऐसे ही रोड में आ गया है। बड़े मुश्किल से छोटा सा रास्ता बना दिया है यहाँ पर, चढ़ाए कि ना चढ़ाए, अगर फंस जाए तो मुश्किल हो जाएगा भाई, थोड़ा तेजी से निकलना होगा। ओहो, बड़े मजे में भाई, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। ये मुक्तिनाथ का रोड है, इस जगह का नाम क्या है? ये रहा भाई मेरा नेपाल राइड का साथी, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा जीएस। और सामने इसी व्यू के साथ आज का ना ये व्लॉग शुरू होता है। आगे बढ़िया अपलोडिंग मिलेगा जो आपको दिखाऊंगा, और आप मजा लेना वर्चुअली मेरा व्लॉग के थ्रू। चलिए गोप्रो में बातें करते हुए आगे जाते हैं। तो भैया शुरू हो गया हमारा ये कीचड़ वाला एडवेंचर। देखो भाई बाइक बंद हो गया। ओके ओके, गुस्सा मत कर मेरे रानी, बहुत ही खाई है। देखो यहाँ से जो दिखता है ना सीन, बहुत बढ़िया। ये रिवर यहाँ से सीधा चला गया और वहाँ पर मैंने फोटो वोटो खींचे थे सामने। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस रोड से, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, इसके अलावा डाला ही नहीं जा रहा। स्पीड 20, 30, 40 बस, इसके आगे नहीं जा सकते हम। और स्पेस देखो, रास्ता कितना नैरो है, इतना खराब रोड। साइड दे दो भैया, हमको निकलना है। चल मेरे राजा, धीरे से आजा। क्या करूं भाई, अकेले हूँ, सोलो राइड कर रहा हूँ नेपाल। थोड़ा अपने आप को भी एंटरटेन करना है क्योंकि पक गया हूँ मैं ये कीचड़ धूल मिट्टी और ये गड्ढा वाला रोड से। देखो एक बढ़िया झरना, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये झरना जो रोड का डैमेज कर रहा है ना, वो अलग से भाई। एक छोटा सा प्यारा वाटर क्रॉसिंग आ गया ये प्यारा झरने के वजह से। मुझे ना इस साइड से निकलना है। देखे हो कितना डेंजरस रोड के नम पे, बिल्कुल धब्बा है। देखो बिल्कुल धब्बा, ये पूरा रोड के ऊपर से ना पानी जा रहा है ऐसा। देखो अभी मैं गिरने वाला था ब्लॉगिंग के चक्कर में। क्या कीचड़ है, क्या कीचड़ है। भैया बहुत संभल के चलाना है मुझे, नहीं तो गिरना पक्का है। क्या रोड है देखो भैया, क्या यार। हाँ ये जगह तो बहुत मुश्किल हो गया। वो भाई रोड के ऊपर पानी देखो कैसे आ रहा है। क्या था वो, और ये जगह देखो। एंजॉय तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन भैया क्या रोड है। मैं ये तो कीचड़ वाला जो पैच था ना, इसे क्रॉस करते हुए थक गया भाई। बाइक एकदम ऐसे 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 हो रहा था लेकिन मैं गिरा नहीं भाई, समझ लिया गिरने ही वाला था मैं। हे महादेव, इसीलिए तो आप पे छोड़ दिया है सब कुछ, गिरना उठना संभालना सब आपके हाथ में है। हर हर महादेव। ये जो पैच है, इस पैच को देखो भाई क्या हो गया। रोड थोड़ा चौड़ा ही था और ऊपर से ना पहाड़ से मिट्टी वट्टी ऐसे धस के आ गया रोड के अंदर। क्या बुरा हाल हो गया रोड में देखो।
ये नेपाल में ये सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि मिट्टी का पहाड़ है ना ये, देखो पेड़ पौधे सब ऐसे रोड में आ गया है। बड़े मुश्किल से छोटा सा रास्ता बना दिया है यहाँ पर, जो रोड का हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब, जो मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ। अभी देखो ये वाला पैच को हम कैसे करते हैं, क्या यार चढ़ाए कि ना चढ़ाए, अगर फंस जाए तो मुश्किल हो जाएगा भाई, थोड़ा तेजी से निकलना होगा। तो भैया कुछ देख रहे हो, जो नेपाल का प्लानिंग कर रहे हो ना मुक्तिनाथ का, वो देख लो, पहले तैयार हो जाओ, पहले से ये एडवेंचर आपको मिलने वाला है मुक्तिनाथ में। एक मिनट हुआ नहीं भाई, छोटा सा पैच मिला था अच्छा रोड का, और फिर से जो आ गया सामने, ओहो बड़े मजे में भाई, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। क्या यार बार बार बंद हो क्यों हो रहा है, जब भी मैं थ्रॉटल थोड़ा डाउन कर रहा हूँ ना तभी ये मुश्किल हो रहा है, बंद हो जा रहा है जीएस। जो भी हो परफॉर्मेंस बढ़िया है जीएस का, गुड, एकदम मक्खन जैसा चल रहा है ये ऑफ रोड में, दिक्कत कुछ भी अभी तक नहीं दिया जीएस। और क्या बताओ, पावर तो उसमें भर के है, भर के पावर है ये ऑफ रोडिंग के लिए। जगह जगह ना क्या है, ये पहाड़ के साइड से पानी निकल रहा है, और पानी निकलने की वजह से ना रोड का हालत कुछ ऐसा बना है, रोड या रोड बोल रहा हूँ, रोड कहाँ है यहाँ पर, रोड कहाँ है, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो भाई एनर्जी ख़त्म होने लगा है, ओहो धूल वाला रोड। क्या तेज धूप है ऊपर से, मैं एक छाव ढूंढ रहा हूँ कब से, 2 मिनट रुकूंगा वाटर ब्रेक के लिए, कोई छाव नहीं मिल रहा भाई, ये तेज धूप एकदम रोड पे पड़ रहा है सीधा। जो घर है ना ये कितना प्यारा लगता है, देखो ये सारे पत्थर से बनाया क्या है, क्या ब्यूटीफुल लगता है, ऑसम ऑसम। ये कौन सा विलेज है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये मुक्तिनाथ का रोड है, इस जगह का नाम क्या है, महावीर। ओके नाइस प्लेस है, नाइस विलेज। आपको ना और एक प्यारा सा बहुत बड़ा झरना दिखाऊंगा अभी, अब देखना पास से, ये देखो भैया क्या बढ़िया झरना है। चलो आपको ना पास में जाके दिखाता हूँ,
देखो भैया क्या सीन है, क्या पानी का छींटे आ रहा है यहाँ से। वाव ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल।